हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हमारा अगला टॉपिक है आज की वीडियो में मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन होता है स्टूडेंट्स मछलियों को पालना, मछली उत्पादन भी कहते हैं, और मछलियों को खाते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इस वजह से मछली पालन किया जाता है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा मतलब स्रोत है, काफ़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हमारी इस पर टिकी हुई है, मछली पालन पे। तो मछली पालन जो है, ये मछलियाँ का जो उत्पादन है वो दो तरीके से होता है। मछलियों का उत्पादन कैसे कैसे, एक तो होता है मछली परग्रहण। क्या होता है? मछली परग्रहण, प के नीचे भी रहे, ग के नीचे भी रहे, परग्रहण, ठीक है। और एक होता है मछली संवर्धन। क्या होता है? मछली संवर्धन, ठीक है। अब मछली परग्रहण में आपको बता देती हूँ, ये होता है मछली पकड़ना। भाई ऑलरेडी से समुंदर में है या कहीं पे भी है, वहाँ से मछली बस आपको पकड़नी है, जाल के द्वारा जो मछुआरे होते हैं वो पकड़ते हैं मछलियाँ। और मछली संवर्धन होते हैं कि भाई आप मछली पालन कर रहे हैं किसी तालाब में, किसी फसल के साथ, या समुद्र में भी कर सकते हैं, वो उनको पाल रहे हैं बीज डाल के मछली का, वो है मछली संवर्धन। मछली पालन और मछली पकड़ना, ये क्या है? मछली को पकड़ना, जैसे सीधा जाल फेंक के और इसमें पाला जाता है मछली को, तो ये आता है मछली पालन, ठीक है। अब जो ये मछली संवर्धन और मछली पालन है, ये होता है आपका दो जगह पे, मतलब इसके अगर उसकी बात करें स्रोत की कि कहाँ पे होता है ये, कहाँ पे पाला जाता है मछलियों को, तो दो जगह, दो प्रकार की मत्स्यकी होती है। मत्स्यकी मतलब मछली पालन। एक तो होती है समुद्री मत्स्यकी, मत्स्यकी मतलब मछली पालन। दूसरी होती है अंतःस्थली मत्स्यकी, अंतः स्थली मत्स्यकी, ठीक है। तो समुद्री मत्स्यकी होती है स्टूडेंट्स कि समुद्र में स्रोत जो है, समुद्री जल है, वहां पे मछलियों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। चाहे वो मछली प्रग्रहण हो रहा हो, चाहे मछली संवर्धन हो रहा हो समुद्र में, क्योंकि समुद्र ये जो जल है वो कैसा होता है, खारा जल होता है, लवणीय होता है। दूसरा होता है अंतःस्थली मत्स्यकी। अंतःस्थली होती है भाई स्थल, जैसे एक तो समुद्र हो गया पानी वाली जगह सारी, और जो स्थल है जैसे पूरा भारत है, उस अंतःस्थल के बीच में भी कहीं कहीं पानी होता है, जैसे नदियों में, तालाबों में, ठीक है, जलाशयों में, ये सभी क्या है, ये साफ पानी होता है इन सब में, और अलवणीय जल बोलते हैं, यहाँ लवणीय जल, यहाँ अलवणीय जल। तो उनमें मछली को पालना या पकड़ना वहां से, वो है अंतःस्थली मत्स्यकी। अब मैं आपको बता दूं, जो मछली परग्रहण होता है ना, कि पहले से ही मछलियां बहुत ज्यादा है बस पकड़नी है, वो समुद्र में ज्यादा होता है, और मछली संवर्धन इनमें ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें पहले से मछलियां नहीं होती, यहाँ पे संवर्धन ज्यादा होगा, पाली ज्यादा जाती है, भंडार नहीं होता पहले से, समुद्र में भंडार होता है। तो ये काफी बड़ा अर्थव्यवस्था बढ़ाने का साधन है मछली पालन। और अगर समुद्री मत्स्य की खत्म भी होगी ना भाई, समुद्र में मछलियां कम होगी, पकड़ पकड़ के हमने खत्म कर दी, तो उसमें फिर समुद्र में हम परग्रहण करने लग जाए, ये संवर्धन करने लग जाएंगे, पालने लग जाएंगे बीज डाल के समुद्र में भी। तो ये काफी लंबे समय तक मतलब दिक्कत करने वाला नहीं है, हमेशा चलेगा ये। तो ये समुद्री मत्स्य की और अंतःस्थली मत्स्य की दो प्रकार की होती है। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि जो समुद्री मत्स्य की है, उसमें पता कैसे लगाते हैं भाई मछलियां कहाँ जाता है? सीधा जाल फेंकने से तो ऐसे नहीं आएंगी मछलियां। तो इसके जैसे समुद्री मत्स्यकी को, मत्स्यकी में पता लगाने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है समुद्री मत्स्यकी में पता लगाने का, क्या कि जो आपकी ये होती है सैटेलाइट से, किससे? सैटेलाइट, सैटेलाइट से पता लगाते हैं भाई जहाँ मछलियां ज्यादा हैं। दूसरा तरीका होता है प्रतिध्वनि, ये जो ध्वनि का चैप्टर आएगा ना आपके में, 9th में ही है, तो वहां पे आएगा ये कि प्रतिध्वनि क्या होती है। प्रतिध्वनि से भी पता चल जाता है, वहां मैं अच्छे से बताऊंगी तभी समझ आएगा। प्रतिध्वनि और सैटेलाइट दो तरीके हैं क्या करने के, पता लगाने के कि भाई जो मछलियां हैं वो किस जगह में ज्यादा हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर। अंतःस्थली में तो अपने आप होती ही कम है, वहां तो पालन किया जाता है, तो सैटेलाइट और प्रतिध्वनि से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है समुद्री संवर्धन कहेंगे इसे, अगर समुद्र में हमें पाला जाए, समुद्र में जो हम मछलियों को पालते हैं तो वो समुद्री संवर्धन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? समुद्री संवर्धन,
संवर्धन, या उसको मैरी कल्चर भी बोलते हैं। मैरी कल्चर इंग्लिश में है वो, तो आप समुद्री संवर्धन याद रख लें, ठीक है। मैरी कल्चर समुद्री संवर्धन, जब समुद्र में पाला जाएगा। अब जो अंतःस्थली मत्स्यकी की बात आई कि भाई तालाब में, पोखरों में, नदियों में या फिर एस्चुरी होती हैं, क्या होती हैं एस्चुरी, एस्चुरी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती हैं ना, उस मुख को, नदी के मुख को जहाँ वो गिर रही है उसको एस्चुरी कहेंगे। लैगून बनते हैं वहाँ, ठीक है, एस्चुरी बनती हैं। तो ये इनमें भी मछली पालन होता है, इनमें अपने आप कम होती हैं, पकड़ना मछलियों का कम होगा या प्रगरण कम होता है, पालन ज़्यादा होता है, संवर्धन ज़्यादा होता है। और इनके अलावा एक तो मैंने बताया समुद्र में अंतःस्थली, या कई बार फसल के साथ साथ, किसकी फसल के साथ साथ, धान की फसल के साथ करते हैं। जो धान की फसल है ना आपकी, धान की फसल पैदा करने के साथ साथ मछली संवर्धन भी उसमें करते हैं, बीज भी डाल देते हैं मछलियों का, क्योंकि जो धान की फसल है उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी, वो खड़ा सा रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता है तालाब सा बना हुआ है, तो वहाँ पे मछली का बीज भी डाल देते हैं, तो फसल के साथ साथ उस पानी में मछली उत्पादन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी मतलब अच्छा तरीका है। अब एक आता है कि जो मछली संवर्धन हम करते हैं, मछलियाँ पालते हैं, उसमें आता है कि भाई मिक्स करके, जिसको बोलते हैं मिश्रित मछली संवर्धन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि मछली मिश्रित मछली संवर्धन, ठीक है, क्या मिश्रित, मिश्रित जैसे नाम से लग रहा है, मिश्रित मछली संवर्धन, ये क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाता है पेपर में अलग से नोट लिखने के लिए कि इस पे नोट लिखो, ठीक है। तो ये मिश्रित मछली संवर्धन, सुनिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या होता है, मिश्रित जैसे नाम से लग रहा है कि बहुत सारी मछलियों की स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियों के बीज डाल दें एक जगह एक ही टाइम पे, कि कोई तालाब ले लिया और कई सारी स्पीसीज के बीज डाल दिए, ठीक है। अब हम उन बीजों का जो चयन करते हैं ना, वो इस आधार पर करते हैं कि भाई उनकी खाने की जगह अलग अलग हो। मान लो जो तालाब, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, तो कुछ मछलियाँ होती हैं जो तालाब की ऊपरी सतह पे खाना खाती हैं, बिल्कुल ऊपर वाली सतह पे, जैसे कैटला मछली है, वो सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू जो मछली होती है वो तालाब के बीच में, वहाँ से अपना भोजन लेगी, आसपास वहाँ भोजन क्या होता है मछलियों का, बहुत छोटी वाली मछलियाँ या और छोटे जो जू प्लैंकटोन वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव, उनको खाती हैं मछलियाँ, ठीक है, जो श्रेणी में मछलियों से भी नीचे आते हैं। तो कटला मछली जैसे सतह से भोजन ले रही है, रोहू मछली जैसे, उसकी बात करें रोहू की, तो रोहू ले रही है उसके मध्य से तालाब के भोजन। एक कार्प मछली होती है, कॉमन कार्प जिसे बोलते हैं, वो तली से भोजन लेती है, ठीक है। एक ग्रास कार्प है, खरपतवार खाती है, तो वो सारी क्या है, सारी की सारी मछलियाँ तालाब में, भाई ये पूरा तालाब है, तालाब में एक यहाँ से भोजन ले रही है, एक यहाँ से ले रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक जो बाकी के खरपतवार है ना, बेकार की चीज़ें, उनको खा जाती है। तो पूरे के पूरे तालाब का अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, पूरा आहार अच्छे से ख़त्म हो जाता है, तो और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, भाई इतनी सारी प्रजातियों की मछलियाँ का उत्पादन हो गया है, और तालाब के आहार का इस्तेमाल भी पूरे से हो गया, भाई हमने बीज खाना भी तो डाला होगा ना तालाब में, तो खाना तो पूरे तालाब में फैल जाएगा, ऊपर नीचे, कुछ नीचे बैठ जाएगा, कुछ तैरेगा, कुछ बीच में, ठीक है। तो वो सारी मछलियाँ की प्रजातियाँ अलग अलग जगह से लेती हैं भोजन, तो पूरे खाने का इस्तेमाल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित मछली संवर्धन। अब मिश्रित मछली संवर्धन में आपको ये उदाहरण जरूर देने होंगे जो मैंने बताए हैं कि कैटला ऊपर से लेती है, और ये रोहू बीच से, और कॉमन कार्प नीचे से, और ग्रास कार्प उसके तालाब के खरपतवार खाती है, ठीक है। तो ये था मिश्रित मछली संवर्धन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो। और मिश्रित मछली संवर्धन बहुत अच्छा रहता है, उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है भाई, ज़्यादा पैदावार होती है, ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, लेकिन इसमें एक समस्या आती है। इसमें क्या समस्या आती है कि भाई कुछ मछलियाँ तो ऐसी होती हैं जो वर्षा ऋतु में ही प्रजनन करेंगी, इसमें करेंगी, सिर्फ वर्षा ऋतु में ही प्रजनन करेंगी। और एक खास बात है कि भाई हमने जो बीज डालने हैं मछलियों के, चाहे वो देसी नस्ल की मछलियों के बीज डाल दिए, लेकिन जब प्रजनन करने के बाद वो हमें जो अगली पीढ़ी के जो बीज मिलेंगे ना, वो मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मतलब कैसे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझना कि जैसे मिश्रित मछली संवर्धन में मैंने बताया कि कई सारी वो डाल दी, क्या प्रजातियों के कई सारे स्पीसीज के बीज डाल दिए, तो आपस में मिल जाते हैं, उनका संकरण हो जाता है,
ठीक है, दो प्रजातियों का प्रजनन हो गया और उनके बीज मिल गए और कुछ नया बीज बन गया, जो हमने डाला था ना जैसे देसी नस्ल का वैसा नहीं मिल पाता, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मिश्रित मछली में वैसे तो फायदा ज़्यादा हो गया कि भाई कई सारी मछलियों का, कई सारे स्पीसीज का पैदावार होगी, लेकिन वो बीजों में संकरण के कारण वो मिल जाते हैं तो ये समस्या क्रिएट हो रही है, इससे पैदा हो रही है। इसका ना बस एक ही सॉल्यूशन है और कोई उपाय नहीं है कि तालाब में जो इनका संवर्धन करें ना, तालाब में करें और उससे जो हार्मोन के द्वारा करें, ठीक है, कैसे करें, हार्मोन के द्वारा भाई, ऐसे नहीं कि अपने आप वो संकरण अपने आप प्रजनन कर लें तो उसे मिक्स नहीं होएंगे। हम हार्मोन का इस्तेमाल करें कि किस समय किसको प्रजनन के लायक बनाना है, हार्मोन उनको कम ज़्यादा देते रहें। एक स्पीसीज को हार्मोन दे दिया भाई, उसी स्पीसीज की मछलियाँ प्रजनन कर सकती हैं अभी समय पर, तो फिर वो मिक्स नहीं होंगे, उनके जो डिंब हैं, डिंब क्या होते हैं, बीज, तो इस तरीके से मछलियों के डिंब मिक्स नहीं होंगे हार्मोन की सहायता से। किसी अलग टाइम पे दूसरी प्रजाति को वो देके हार्मोन उनकी प्रजनन क्षमता को मतलब वो कर दें किसी और मौसम में, तो उससे फिर उसके पैदा होंगे सिर्फ बीज जो हैं, डिंब मिक्स नहीं होंगे किसी और के साथ। तो इस तरीके से हम इसका उपाय निकाल सकते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन क्या है, इसमें क्या समस्या आई और उस समस्या का किस तरीके से हम क्या करते हैं, उपाय। संवर्धन क्या है, समस्या और उपाय, ये काफी बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है, ये आपके पाठ्य पुस्तिका के प्रश्नों में दिया भी हुआ है। तो ये पाठ्य पुस्तिका के प्रश्नों में दो ही प्रश्न है, मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं और मछली संवर्धन, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ है, तो ये तो मैंने अच्छे से बताया अभी क्या लाभ है इसके, और मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं वो बता ही दिया मैंने, प्रकरण से प्राप्त करते हैं या फिर संवर्धन से प्राप्त करते हैं, दो तरीके होते हैं। और जो मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे जाल बनाते हैं और मछली पकड़ने के लिए नाव भी होती हैं स्पेशल, तो उन नाव पे जाके और जाल फैलाए जाते हैं और सैटेलाइट और प्रतिध्वनि मैंने बताया था, इनसे पता चल जाएगा कि किस जगह पे समूह है बहुत बड़ा मछलियों का, तो इस तरीके से मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने सारे एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, समुद्री मत्स्य की जब आप पढ़ेंगे कि जो समुद्र में जो सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है जिनका, पोमफ्रेट, मैकरल, टूना, सार्डाइन, बोम्बेडक, ये उदाहरण है मछलियों के, ये आपको दो चार जरूर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये समुद्री मत्स्य की है कि समुद्र में ये इस्तेमाल की जाती है ये मछलियाँ। और ये मछलियाँ हैं मुलेट, बेटकी, पर्ल स्पोट, ये झींगा और मसल और ओइस्टर। ठीक है, ये वो मछलियां हैं जिनसे आर्थिक महत्व मिलता है, मतलब पैसा ज़्यादा कमाया जाता है, महंगी बिकती हैं ये, आर्थिक महत्व वाली मछलियां हैं, क्योंकि इनमें जो ओइस्टर है ना, ओइस्टर से तो मोती मिलते हैं, तो ये काफ़ी महंगे होंगे, तो ये आर्थिक महत्व वाली मछलियां हैं। इनके एग्जाम्पल अलग से ध्यान रखने हैं आपको उदाहरण, क्योंकि कई बार सिर्फ उदाहरण पूछ लेते हैं कि ये वाली मछली, जैसे बड़ी क्लासेस में जो वैसे पेपर होंगे ना आपके, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होंगे, उनमें उदाहरण देते हैं कि पर्ल स्पोट दे दी, तो पर्ल स्पोट किस कैटेगरी की मछली है, ए बी सी डी ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, कि समुद्र में पाला जाता है इसे, या प्रकरण होता है इसका, या फिर संवर्धन होता है, या फिर कहाँ पे किस तरीके से ये अंतःस्थली मत्स्य की है, या आर्थिक महत्व वाली है, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको इनके एग्जाम्पल इसमें कुछ समझाने का नहीं है, रटने का है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको बस ये याद करना है। देखो ये दो झींगे दिखा रखे हैं, ये ताजे पानी का झींगा है और ये समुद्री झींगा है। ठीक है, इनके नाम आप याद कर सकते हैं, पीनस मोंडोन और मैक्रोब्रेकियम रोजेन वर्गी, मुश्किल नाम होते हैं बायो में, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, तो ये ताजे पानी का और झींगा, ये झींगे दिखा रखे हैं दो। ये देखिए आप, ये कुछ चित्र दिखा रखे हैं, जैसे कैटला, वो मैंने आपको मिश्रित मछली संवर्धन में बताई थी कि कैटला है, सिल्वर कार्प है, सिल्वर रंग की होती है ये, ये रोहू है जो बीच में भोजन लेती है, ये लेती है ऊपर से सतह से भोजन। ठीक है, ये डी ग्रास कार्प मैंने बताया था, ग्रास कार्प लेती है खरपतवार, ग्रास नाम से लग रहा, ग्रास होती है घास, तो ये घास को खाने वाली खरपतवार को खा जाती है। ठीक है, और कॉमन कार्प और मृगल, ये दो मैंने बताई थी आपको जो तली से भोजन लेंगी, ये दोनों तली से भोजन लेने वाली हैं, ये खरपतवार को खाने वाली है, और ये मध्य से भोजन लेती है, और ये जो कटला और सिल्वर कार्प हैं, ये लेती हैं अपना भोजन बिल्कुल सतह से ऊपर से। तो ये मिश्रित मछली संवर्धन में जो मछलियां हैं ना, जिनके नाम हैं, उनके चित्र दे रखे हैं।
ऐसे ही ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें भी प्रैक्टिकल करने का ही है कि ये कह रहे हैं कि मछलियों के किसी उसमें जाओ मछली फार्म में और गिनो भाई तालाब में मछलियों की कितनी किस्में हैं, कितनी प्रकार के तालाब हैं फार्म में, जो वहाँ पे मछली फार्म में जो आहार दे रहे हैं वो किस प्रकार का दे रहे हैं और मछली उत्पादन की उसकी क्या क्षमता है भाई, कितने उसमें उस मछली फार्म में कितनी जो मछलियों का उत्पादन होता है। तो ये प्रैक्टिकल करने के हैं, कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है इनमें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक जो मछली पालन था, मत्स्य पालन, वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक ही टॉपिक बचा हमारा इस चैप्टर में, मधुमक्खी पालन। हमारा पशुपालन में चार टॉपिक थे जो हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। अब देखिए मधुमक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन दो चीज़ों के लिए किया जाता है, एक तो शहद के लिए कि भाई उनसे शहद मिलता है, और एक मोम के लिए, मोम भी मिलता है क्योंकि छत्ते में होता है ये, तो छत्ते से मोम निकाल लेते हैं हम, तो इन दोनों चीज़ों के लिए इसका पालन किया जाता है। और जो ये मैंने आपको बताया था पीछे भी कि ये जो है आपकी मधुमक्खियाँ, पीछे तो नहीं अभी बता रही हूँ कि इसमें दो टाइप की मक्खियों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, एक होती है भारतीय मक्खी जिसका नाम होता है एपिस इंडिका। क्या नाम है? एपिस इंडिका। इंडिका नाम से इसलिए रख दिया, इंडिका इंडिया की है, एपिस इंडिका, एपिड लिख दिया मैंने तो, एपिस से है स्टूडेंट्स, ये एपिस इंडिका। तो एपिस इंडिका भारतीय मछली है, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, मक्खी, भारतीय मक्खी है ये, मधुमक्खी। तो एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी है, और एक है एपिस मेलीफेरा, एपिस मेलीफेरा ये इटली की मधुमक्खी है। तो ये दो मधुमक्खियाँ हैं, एपिस इंडिका और एपिस मेलीफेरा, एक इटली की है और एक है भारतीय मधुमक्खी। इन दो का इस्तेमाल किया जाता है मधु उत्पादन के लिए, मधु होती है शहद, शहद के लिए सबसे ज़्यादा इन दो का इस्तेमाल किया जाता है। इटली की मधुमक्खी जो है ना, ये नीचे वाली इटली की है, तो इस इटली की मधुमक्खी के एक दो खास गुण हैं कि भाई एक तो ये मधु शहद ज़्यादा इकट्ठा करती है, थोड़ा डंक डंक वंक थोड़ा कम मारती है, छत्ते में भी टिकी रहती है अपने, यूं घूमती फिरती नहीं हमारी मक्खियों की तरह, ये घूमती फिरती है और कोई बंदा फंस जाए डंक मार जाती है तभी। तो इटली की मधुमक्खी है ये, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा मधुमक्खी फार्मों में। अब जो मधु की कीमत है और मधुमक्खी जो शहद बना है उसकी जो गुणवत्ता है वो निर्भर करती है फूलों पे। आपने सुना होगा पहले भी कि जो मधुमक्खी है शहद कैसे बनाती है, वो फूल से रस लेके जाती हैं, फूलों से, और उस रस से, जो मकरंद फूलों से रस लेके गई हैं उससे शहद बनाती हैं वो। तो जिस फूल से वो पराग और मकरंद उन्होंने इकट्ठा किया है ना, उस पर निर्भर करता है कि शहद की क्वालिटी गुणवत्ता कैसी है, समझ गया? तो फूलों की जो किस्में है ना, जो उससे मधु का शहद का अलग अलग स्वाद आएगा, समझ गए कि हमने देखा है अलग अलग स्वाद होता है कई बार शहद में, तो वो उस पे फूलों पे डिपेंड करता है कि जिस फूल से मकरंद उन्होंने चूसा है। तो ये था हमारा मधुमक्खी पालन। देखिए स्टूडेंट्स ये जो दिख रहे हैं, ये पीछे जो डिब्बे से दिख रहे हैं, ये क्या हैं, आपके मधुमक्खी के छत्ते हैं, और इस तरीके से इनकी व्यवस्था की हुई है। ये देखिए ये दिखा रखे हैं, कई बार इनको पेड़ पे भी लटकाते हैं, इन्होंने ये दिखा रखा है कि पेड़ के तने पे जगह बना के ये रखे हुए हैं। ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते हैं, ठीक है, इसके अंदर इनका मधुमक्खी जो है पालन होता है, ये पेड़ पे दिखाया हुआ था। उसके बाद ये दो प्रश्न आते हैं मधुमक्खी पालन में। पहला प्रश्न है मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इटली के मक्खी में होते हैं भाई, वो डंक भी नहीं मारती, मधु भी शहद भी ज़्यादा इकट्ठा करती है, छत्ते में ज़्यादा समय तक रहती है, प्रजनन तीव्रता से जो करती है, ऐसे इस टाइप के गुण होने चाहिए, ठीक है, अपने दुश्मनों से खुद बच जाती है और दूसरे दुश्मन को डंक कम मारे, हमारे लिए तो वही बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके के अच्छी गुण होते हैं। फिर दूसरा चरागाह क्या और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है। चरागाह मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था ना कि मधुमक्खियाँ शहद जो अलग अलग प्रकार का बनता है वो कैसे बनाती हैं भाई, फूलों से मकरंद लेके जाती हैं, और जो रस चूस रही हैं जिस प्रकार का, जिस फूल से, वैसा ही शहद का स्वाद आएगा। तो चरागाह वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, चरने की जगह, नाम से लग रहा है ना, तो जहाँ से मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद लेती हैं, तो जितने ज़्यादा चरागाह में फूल होंगे उतनी प्रकार का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का मधु बनेगा, अलग अलग टेस्ट का। तो चरागाह पता चल गया होगा आपको क्या होती है। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न हैं, नौ प्रश्न हैं, इनको करेंगे हम। तो देखिए पहला प्रश्न जो है, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके।
तो स्टूडेंट्स कोई भी विधि आप दे दो, आप मैंने आपको बताई थी मिश्रित फसलीकरण बताया था भाई, उससे पैदावार बढ़ जाती है, कई फसल लेते हैं तो ठीक है, वो बता सकते हैं, उसका वर्णन कर दें आप, अंतरा फसलीकरण बता दें तो भी चल जाएगा। तो फिर है उसके बाद दूसरा प्रश्न, उनको आप मेंशन कर दीजिएगा पूरे डिटेल में बता देना। दूसरा है खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। अब ये बताया ही था मैंने आपको और आपको अपने आप भी पता होगा कि पोषक तत्व ताकि पौधों को मिल जाए, फसल को सारे पोषक तत्व देने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, और खाद से तो उसकी संरचना में भी सुधार आता है, मैंने बताया था रेतीली और चिकनी मिट्टी जो है सुधर जाती है, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जैसे जो वो है पोषक पोषक तत्व हैं वो बढ़ जाते हैं उर्वरक के इस्तेमाल से, तो इसलिए इनका उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के क्या लाभ है, ये भी मैं पूरे टॉपिक में अच्छे से बता चुकी हूँ भाई। अंतरा फसलीकरण से क्या होगा, दो या दो से अधिक फसलों की लाइन लगाते हैं ना एक लाइन में, अलग अलग लाइन में, तो इससे क्या हो सकता है भाई, वो नहीं फैलते आपके रोग नहीं फैलते, अच्छा उत्पादन मिल जाता है, अधिकतम मिलेगा ठीक है, पूरा नियोजित तरीके से फसल चक्र में होता है, और फसल चक्र एक के बाद लगाएंगे तो हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है ठीक है, और जो बीमारियां हैं और जो कीट पतंगे हैं वो कम फैलते हैं, और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है अलग अलग फसलों को इस्तेमाल करने से, खेत को खाली नहीं छोड़ना पड़ता, पोषक तत्व भी बने रहते हैं उसके अंदर, क्योंकि एक जो कोई भी फसल है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है और दूसरी फसल जो है उसकी ज़रूरतें अलग हैं, तो वो एक दूसरे का पूरक का काम करती हैं, जब तक एक फसल की पूरी पक रही है ना तब तक दूसरी फसल को जो पोषक तत्व चाहिए वो बन जाएंगे, क्योंकि एक को अलग पोषक तत्व चाहिए दूसरी को अलग चाहिए, तो दूसरी का टाइम आने तक उसके वाले पोषक तत्व जमीन में बन जाते हैं मिट्टी में, तो ये पूरक का भी काम करती हैं ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप बना बना के इसका ढूंढ के लिख देंगे। फिर है अनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। अनुवांशिक फेरबदल मैंने आपको बताया था कि जो ऐच्छिक सस्य विज्ञान है, ऐच्छिक गुणों को डालना वो अनुवांशिक फेरबदल है, कि कोई एक ऐसी किस्म बनाए, ऐसी नस्ल बनाए जिसमें सारे ऐच्छिक गुण आ जाएं, भाई रोग प्रतिरोधकता है, जैसे मैंने जो आपको बताया था ना सबसे पहला टॉपिक करवाया था फसल की किस्मों में सुधार, वहाँ अनुवांशिक फेरबदल बताया है, और इसका जैसे संकरण, संकरण जो है ना अनुवांशिक फेरबदल वही होता है, तो ये अंतरा किस्मी अभी मैंने बताया था, अंतरा स्पीसीज भी हो सकता है, अंतरा वंशीय भी हो सकता है, तीन चार तरीके से, तो उस टॉपिक को देख लेंगे आप वहाँ से। फिर है भंडार गृह, भंडार गृह मतलब गोदाम, उनमें अनाज की हानि कैसे होती है, ये भी पूरा अच्छे से टॉपिक आ चुका है कि जैविक और अजैविक कारक उसकी हानि करते हैं, हाँ आप वीडियो देख सकते हैं। किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभप्रद हैं, तो किसानों के लिए जो पशुपालन प्रणालियां हैं वो इसलिए लाभप्रद हैं कि जो जैसे जो भोजन देने वाले जो वो है ना जीव, जैसे पशु गाय भैंस, उनसे जिनसे दूध मिलता है वो हमारे भोजन के काम आते हैं, दूध मिल रहा है उनसे ठीक है, और उन्हीं पालतू पशुओं से क्या मिल जाती है, हमें खाद मिल जाती है, और वही बोझा ढोने के काम आ जाते हैं, तो जो पशुपालन है ना वो कई तरीके से लाभदायी होती है हमारे लिए ये टेक्निक भाई, जैसे जो गाय भैंस रखते हैं उन्हीं के तो नर जो है बोझा ढोने में काम आ गए, कृषि कार्यों में काम आ गए, उन्हीं से दूध मिल रहा है हमें और उन्हीं से खाद मिल रही है भाई खेतों में डालने के लिए, तो कई सारे फायदे होते हैं, उस दूध को बेच के हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है ठीक है, खेती में जो किसानों की से वहाँ से भी आय का स्रोत बन रहा है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। पशुपालन के क्या लाभ है, ये भी जो मैं बता रही हूँ ये पशुपालन की लाभ है, इनमें आप ये और ऐड कर देना कुक्कुट पालन वाले लाभ, मछली पालन वाले लाभ और मधुमक्खी पालन वाले फायदे भी पशुपालन में ही आ जाएंगे, क्योंकि इन सभी को पालना पशुपालन ही तो है ठीक है। फिर अगला है उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं, भाई इन तीनों की तुलना करनी है, तो इन तीनों की तुलना में यही है कि तीनों को अच्छे से देख रेख करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें सारे काम, और इनके जो पालने की जो अच्छी अच्छी परिस्थितियां हैं उनका ध्यान रखें ठीक है। तो तीनों में सेम समानता है, मैंने बताया था एक और, इनके आवास का, आहार का और सुरक्षा का ध्यान रखें, तो ये समानताएं हैं, उत्पादन इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो तीनों में उत्पादन बढ़ेगा भाई, तीनों के आहार का, आवास का और सुरक्षा का ठीक है, जैसा कि मैं सभी वीडियो में बताती आई हूँ। फिर उसके बाद आखिरी प्रश्न है प्रगरण मत्स्य मैरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है। प्रगरण मत्स्य मैंने बताया था मछली पकड़ना, कि पहले से बनी बनाई मछली है समुद्र में उनको पकड़ना होता है भाई, चाहे समुद्र से चाहे अलवणीय जल जो अंतस्थली जल 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 होता है चाहे वहां से पकड़ लो, सिर्फ मछली पकड़ना प्रगरण है ठीक है। मैरीकल्चर मैंने बताया था आपको कि मैरीकल्चर होता है समुद्री जल संवर्धन, कि समुद्र में संवर्धन करेंगे ना, समुद्र के जल में मछली का पालन करेंगे, पालेंगे बीज डाल के, वो मैरिकल्चर है।
और जल संवर्धन की बात करें कि नॉर्मल जल जो तालाबों में होता है वहां से हम मछली पालते हैं, तो वो हो जाता है साधारण सा आपका जल संवर्धन। तो इस तरीके से तीनों में अंतर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो आखिरी है कंप्लीट हो गया है, खाद्य संसाधनों में सुधार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल, अगर आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आया है तो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए जब भी होंगे, और इस लॉकडाउन में अच्छे से समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ते रहें।